तो उन्होंने कहा कि मैं भी अन्याय कर रहा हूँ, मेरे सुदर्शन चक्र के प्रति। तो हे सुदर्शन, मैं तुझे संसार में जन्म लेने के लिए भेजता हूँ, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सहस्त्र वर्षों के लिए तू जाकर और पृथ्वी पर राज्य कर, आयुष कर, तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जी। मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सुदर्शन खुश हो गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा करते, मैं जब राजा होऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, मैं भी राजा बन जाऊंगा। और कार्तिक वीर्याजन के रूप में उन्होंने कार्तिकवीर्य नाम के राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुए। और जब वह पैदा हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर सेवा आरम्भ कर दी। ये एक बात। ये कार्तिक वीर्याजन ही जब सेवा करने लगे तो दत्तात्रेय जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे कार्तिक वीर्याजन, तू बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान नहीं है। मैं तुझे जब सामर्थ्यवान बनाता हूँ तो तुझे लोक कल्याण करना ही है, और उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, तुझे वो करना है। उन्होंने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि मुझे एक दिन भी बिना आपके दर्शन के नहीं रहा, नहीं रह सकता हूँ, तो मैं ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हर दिन आपका दर्शन मुझे होना ही चाहिए, इसके बारे में बताओ। तब प्रथम बात भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये ले, यह ये मेरे पादुका है जो हर जगह घूमती है, इन पादुकाओं को मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, और उनमें 16 कलाएं रखकर मैं इन पादुकाओं को तुझे देता हूँ। जिस दिन सुबह रोज मैं जो मंत्र बोलता हूँ 11 बार बोलकर भी इस पादुका को सिद्ध करके मेरे राज्य में स्थापन करूंगा, और जब इसके ऊपर सर रखेगा मेरा दर्शन तुझे होगा, नित्य तुझे दर्शन होगा। जो इस गुरु पादुकाओं को विशेष सिद्धि के साथ अपने घर में स्थापन करते हैं उनके उनको दर्शन दूंगा, ऐसा दत्तात्रेय जी ने कार्तिकवीर्यजन को आशीर्वाद दिया। वह दिन आज का दिन है शुद्ध शुक्ल पक्ष की द्वितीय, यही बात वो कहते हैं। और उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि सारे संसार के तीर्थ जाकर समुद्र में मिलते हैं, जैसे गंगा यमुना अंग्रेज सारी चीज़ें जाकर सागर में मिलती हैं, और वो सागर सारे तीर्थों का समान है। और सागर गुरु के चरणों के दाहिने अंगूठे में निवास करता है, इसलिए सारे तीर्थ गुरु के चरणों के दक्षिण अंगूठे में रहते हैं। और जो उस के तीर्थों का उनके दक्षिण अंगूठे का तीर्थ पर ग्रहण करता है और सारे तीर्थों का प्रसाद सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह बात दत्तात्रेय जी कार्तिक वीर्याजन को समझा रहे थे। और कार्तिक वीर्याजन को इसी दिन उन्होंने पादुकाओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए और अपने गुरु को किस तरह घर में स्थापन करना चाहिए, स्थापन करने के बाद उसकी पूजा करने के बाद रोज हम अगर एक माला मंत्र जप करते हैं तो हमारे घर में गुरु का निवास हो और गुरु हमें हर क्षण जब भी हम प्रार्थना करें हमारी रक्षा करें, इस विधान को उन्होंने उनको समझाया। और कार्तिक वीर्याजन ने कहा, प्रभु पहले आप गुरु हैं, मैं उस पादुका सिद्धि दिवस का आज पादुका के दिन मैं उस पूजन को करता हूँ। और भगवान दत्तात्रेय ने उस दिन कार्तिक वीर्याजन को पूजन करवाया, जिसे पादुकाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, जिन पादुकाओं को आज के दिन कोई भी सिद्ध करके अपने घर में स्थापन करता है उसके घर में गुरु का वास होता है। और जो गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, गुरु के चरणों में एक विशेष मंत्र से उसको नमस्कार करता है, उसके घर में जब गुरु पादुकाओं हो और गुरु प्रत्यक्ष हो तो उसके घर में किस प्रकार की कमी होती है, चाहे वो दशमाविद्या साधना करो या किसी भी साधना करो, गुरु का उसके ऊपर गुरु की कृपा होती ही होती है। मैं आज आपके सामने जो बैठा हूँ अपने आप को गुरु तो नहीं कहता, मैं प्रभुपुंज सदगुरुदेव स्वामी विश्लेषण जी प्रभुपुंज सदगुरुदेव जी के का शिष्य हूँ, और शिष्य के रूप में प्रभुपुंज सदगुरुदेव जी ने मुझे उनकी स्वयं की पादुका पानीपत के गुरु पूर्णिमा में मुझे दी थी। और आज 30 साल से मैं गुरुपद का सिद्धि दिवस मनाता हूँ निखिल चेतना के लिए। आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ उन वो पादुकाएं मेरे घर में आगे प्रतिष्ठित है। गुरु जी ने कहा था कि इन पादुकाओं को तो सर में सर पर रख के हैदराबाद जाना और तू इस पादुकाओं को घर में स्थापित करना। जिस दिन से गुरु पादुकाओं को घर में स्थापित किया हूँ आज से मैं कहता हूँ आज निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई। मेरा केवल निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं था कि मैं गुरु बनूँ, मेरा उद्देश्य यह था कि वह गरीब साधक, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ और घर में छोटे छोटे घर में हमें साधनाएं संपन्न करना होता नहीं, तब साधक को एक ऐसी जगह चाहिए। आज हम जंगल में जाते हैं तो लोग तांत्रिक नाम से बुलाते हैं,
हम कहीं नदी के किनारे करते हैं तो ये मांत्रिक है कहते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं तो मंदिर में हकार देते हैं कि मंदिर का समय हो गया और चले जाओ। घर में साधना करते हैं तो बच्चे, पति, पत्नी, भाई, पिता, माता, उनका भी विरोध चलते रहता है कि वो साधना ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता। तब उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्थल हो जो वहाँ साधना कर सके, उसको किसी प्रकार की अड़चन ना हो, ऐसा स्थल होना चाहिए। इसलिए मैंने गुरु चरणों में प्रार्थना की थी जब गुरु जी हैदराबाद आए कि गुरु जी मैं एक साधना स्थल मांगना चाहता हूँ जिसमें कोई भी साधक किसी प्रकार की भी साधना कर सके, ऐसा साधना स्थल हो। और गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था, उसी का प्रतिरूप है जो आपने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। वहाँ कोई भी साधक कभी भी किसी प्रकार की, आप एक ही बार निखिल चेतना केंद्र में प्रवेश कर गए, आपको खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं, केवल आप आकर साधना कर लेकर जा सकते हैं, चाहे 5 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, साल हो, आप साधना करके जैसे जो साधक है, साधना के लिए ही मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है, या गुरु बनने के लिए नहीं, ना कोई गुरुपद प्राप्त करने के लिए नहीं। इस उद्देश्य से स्थापना करते हुए मैंने ये गुरु बालिकाओं की पूजा की है। उसके बाद मैंने दशमहान ज्ञान की साधना की, बहुत सारी साधनाएं संपर्क के आज भी करता हूँ। और मैं आपको इतना जरूर वादा करता हूँ कि उन बालिकाओं की पूजन से जब बालिकाओं पर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मैं गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ कि जितने भी लोग आश्रम आए, आश्रम को आते हैं या आते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु। वो किस साधना के ये यहाँ आते हैं या जो साधना करना चाहते हैं, उनकी साधनाओं की, उनको साधनाओं की सिद्धि प्रदान करो। कम से कम उनके जीवन में ऐसा तो कार्य करो कि उनके जीवन में कोई दुख ना हो। मैंने आज भी आपको ये बात कहता हूँ, निखिल चेतना केंद्र स्थापित करके आज 22-23 साल हो गए। 23 सालों में भी गुरु जी की कृपा से सब साधक आए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बहुत ही बीमार हो गया, बहुत ही कारण, किसी कारणवश उसने अपने प्राण त्याग दिए या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी कल की अमावस्या के दिन जो ग्रहण की साधना हुई थी, उस साधना में अचानक किसी को न पहचानते हुए, रात की उस दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण था, और एक लड़का जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो परिवार में मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो पानी में डूबकर चला गया। मैंने गुरु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि वह चाहता था कि मैं गुरु चरणों में अपने प्राण को त्यागूं, क्योंकि उसके घर में हर दिन पिता से झगड़ा होता था। बाद में वो काम ऐसा हुआ कि गुरु कृपा से उन सारी चीज़ों को हुआ। मैं आज तक 22 साल में भी कहता हूँ, केवल जितने भी साधक आए, कोई ऐसा साधक होते हुए नहीं गया कि मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहकर कोई साधक आज तक नहीं गया। और यह केवल गुरु कृपा है। हम घर में बैठते हैं तो कि चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम घर में बैठते हैं तो हमारे से वहाँ आने के बाद सारे लोग चिंताएं छोड़ते हैं। और आज 22 साल में गुरु जी को, गुरु जी के बारे में मैं कहता हूँ, जहाँ गुरुपाल का स्थापन हुई, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहाँ गुरु मंत्र रोज नित्य ना होता हो। कम से कम कुछ भी हो, 50-51 माला गुरु मंत्र जब नित्य गुरु निखिल चेतना केंद्र में होता ही है, और वो गुरु मंत्र ही आज निखिल चेतना केंद्र को चला रहा है। नित्य वहाँ साधक आकर अपने अपने हिसाब से 10 हो 15 हो, कोई 51 माला करता है, कोई 100 माला करता है, कोई 1000 माला करता है, और वह गुरु मंत्र निखिल चेतना केंद्र को चैतन्यवान बनाए हुए हैं। और इसकी महिमा केवल गुरु पालिकाओं से, गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जिस घर में गुरु पालिकाएं स्थापन हुई, आज के दिन सिद्ध करके जिसने अपने घर में गुरु पालिकाओं की स्थापना किया, वही संसार में अपने गुरु को घर में स्थापित करने वाला कहलाएगा। क्योंकि हम साक्षात सशरीर गुरु को स्थापित करके हम नहीं देख सकते, लेकिन गुरु पालिकाओं को जैसे भगवान दत्तात्रेय ने कहा था, वैसे ही हम अपने गुरु पालिकाओं को घर में रखकर गुरु जी का साक्षात अनुभव हमारे घर में कर सकते हैं। यह पहले दिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान दत्तात्रेय ने अपनी पादुकाओं को देकर कार्तिक वीर्य जी को गुरु पादुकाओं का महत्व बतलाया था, और कहा था कि जो इस मंत्र को आज के दिन करके गुरु पादुकाओं स्थापन करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती।